माननीय श्री चेतन सिंह चौधरी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा बजरी खनन पर रोक लगाने के बावजूद भी प्रदेश में इसका धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष नागौर जिले में हो रहे अवैध बजरी खनन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें नागौर जिले में निजी खातेदारी लीज से अवैध खनन के मामले रियांपड़ी, आलनियावास, झींटिया, बड़ायली, कोडिया, टहला, सेसड़ा, सताना सहित कई गांव शामिल हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को लीज दे रखी है वो भी उस लीज के अलावा साइड के प्लॉट से अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। बजरी के लीज धारक को ई रवाना देना होता है, जो कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 35 रुपये प्रति टन के हिसाब से चुकाया जाता है और एक गाड़ी की 1200 से 1400 रुपए तक की ई रवाना की पर्ची कटती है। ऐसे में बजरी भरकर ले जाने वाले ट्रक से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी मनमर्जी से 5 से 7 जगहों पर नाके लगाकर ट्रक मालिक से 200 रुपए या इससे अधिक राशि अवैध रूप से वसूली जा रही है, यानी कि एक ट्रक मालिक को 1000 से 1800 रुपये तक अवैध वसूली देनी पड़ती है। इस लिहाज से अवैध वसूली की राशि कई बार सरकारी ई रवाना के बराबर हो जाती है और वहीं इस अवैध वसूली की रसीद तक दी जाती है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। ट्रक मालिकों से इस तरह लाखों रुपए की अवैध वसूली का खेल चल रहा है और फिर ट्रक सड़क पर निकलते ही पुलिस विभाग, खनन विभाग व परिवहन विभाग गाड़ी का भारी भरकम चालान बना देते हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रतिबंध के उपरांत सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस व बजरी माफिया के संरक्षण में खुलेआम बजरी निकालकर बेची जा रही है, जिससे पर्यावरण व राजस्व का नुकसान हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करता हूँ कि अवैध भरे गए बजरी के ट्रकों को सड़क पर पकड़कर कार्रवाई करने के बजाय अवैध खनन को रोकना सुनिश्चित करावें तथा इस अवैध वसूली में लिप्त सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। धर्मनारायण जोशी।